बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। ये जो डिटेल लिखी हुई है ना सारी, इसको आपने पढ़ लेना, मैं वीडियो रोक रहा हूँ। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट और सैक्रोस्पाइनस और इसके मुतालिक मैं सारा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये है क्या, अटैचमेंट क्या क्या क्या, सारा कुछ यही बातें हैं, ठीक है। ये याद करने के लिए आपके सामने मैंने स्लाइड खोल के रख दी है, ठीक। ये दूसरी स्लाइड है, इसको भी आप तसल्ली से आराम से देख लें। जो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है ना, ये वाला, ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये हमारे पास, ये देखें, ये आ रहा है इस तरह और ये इस तरह आ रहा है। अब सैक्रोट्यूबरस, ट्यूबरस जो है ना ट्यूबरोसिटी से, सैक्रो सैक्रम से, ठीक है ना, ये हम बुडोरसम से देख लें, ठीक है। हम पीछे बैठे हैं, यानी कि अपने खुद के पीछे आए बैठे हैं, तो वहाँ से देख लें, तो इसलिए पोस्टीरियरली साइड पर ये दोनों लिगामेंट होते हैं, ये हमारे पास सैक्रोस्पाइनस और ये सैक्रोट्यूबरस। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट के हम पहले अटैचमेंट देखते हैं। अटैचमेंट ये होता है, ये हमारे पास, आपने हिप बोन जाकर वीडियो को सुने, वो मैंने बनाई हुई है बहुत अच्छी, उस पर अगर आप सुने सारा जाकर, तो हमारे पास जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में हमारे पास होते हैं, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ये एंड पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ये वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है, और पोस्टीरियो लैटर, ठीक है ना, पोस्टीरियो लैटर सरफेस ऑफ द सैक्रम, सैक्रम से हमारे पास ये अटैच होता है, वहाँ से लेकर ये फाइबर सारे इकट्ठे होते हैं और फिर ये आकर अटैच हो जाता है ट्यूबरस, ट्यूबरोसिटी ऑफ द प्यूबिस बोन। अगर हम मीडियल एस्पेक्ट, ये हमारे पास मीडियल एस्पेक्ट है ना, और मीडियल एस्पेक्ट में कौन सी बोन होती है, प्यूबिस, ये हमारे पास कौन सी है, सैक्रम, ये हम, ठीक है ना, इसियम, ये हमारे पास इलियम, और ये हमारे पास प्यूबिस। अगर मीडियल एस्पेक्ट में देखें तो प्यूबिस होती है, तो उसकी ये ट्यूबरोसिटी होती है जहाँ पर ये अटैच होते हैं, ठीक है ना। तो पोस्टीरियर इंफीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन ऑन द पोस्टीरियर लैटर ऑफ द सैक्रम, और फिर ट्यूबरोसिटी ऑफ द प्यूबिस पर आकर अटैच हो जाता है, ठीक। और इसके अलावा ये हमारे पास जो आता है ना, ये थिक ट्राइंगुलर लिगामेंट है, जो कि सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट के पोस्टीरियरली हमारे पास मौजूद पड़ा है, और इसकी इंपॉर्टेंस ये है, देखिए पोस्टीरियर अटैच है ना इस सैक्रम को ना, ये ताकि फॉरवर्ड एंटीरियर न मूव कर जाए, आगे की तरफ न मूव कर जाए, उससे ये बताता है, पीछे से खींच के रखता है, ठीक है ना। जब हमारे पास कोई वेट बेयर हम कर रहे होते हैं, तो उसमें ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी, अटैचमेंट इंपॉर्टेंस होगी। इसके अलावा सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट हम आगे जाकर देखते हैं, ये दोनों लिगामेंट मिल के ना हमारे पास दो फोरामिन बना देते हैं। जो ऊपर फोरामिन बनता है, ये सारा जो येलो नज़र आ रहा है, हम इसे कहते हैं ग्रेटर शार्टिक फोरामेन, शार्टिक नर्व गुजर रही होती है ना, इस वजह से वहाँ से हम नाम देते हैं ग्रेटर शार्टिक फोरामेन और लेसर शार्टिक फोरामेन। ये जो फोरामेन आपको नज़र आ रहा है, ये एंटीरियर, अगर हम अपने आगे जाकर खड़े हो जाएं और फिर देख रहे हो, तो वहाँ से नज़र आ रहा होता है, वो होता है ऑब्टुरेटर फोरामेन, ठीक है ना। इस दो लिगामेंट के दरमियान ये बाकायदा तौर पर भी इधर से बाउंड्री बन रही होती है ग्रेटर शार्टिक फोरामेन की, लेकिन लेसर शार्टिक फोरामेन की जो एक किस्म की इन लिगामेंट के दरमियान से, लिगामेंट के, ये देखें, ये फाइबर इस तरफ जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, तो इधर एक ऐसे गैप, एक गैप नुमा चीज़ बन जाती है, जहाँ से थिंग्स फिर गुजरती हैं, वो फिर अलहदा वीडियो में मैं कवर करूँगा कि ग्रेटर शार्टिक फोरामेन से क्या गुजरती है, लेसर शार्टिक फोरामेन से क्या गुजरती है, ठीक। फिर ग्रेटर शार्टिक फोरामेन में फिर ये एक मोर मसल पास कर रहा होता है, जो उसको दो चीज़ों में डिवाइड कर रहा है, दो फोरामेन डिवाइड कर रहा है। हमारा कौन सा, सिर्फ इन लिगामेंट तक, ठीक है ना। इन दो लिगामेंट की वजह से कौन से दो फोरामेन बने, ग्रेटर शार्टिक फोरामेन और लेसर शार्टिक फोरामेन, ठीक है। अब हम सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट को देखते हैं, ये इस डायग्राम में बहुत अच्छा दिखाया गया है, और ये देखें, ये सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट आ रहा है, ऊपर से ये और लिगामेंट दिखा रहे हैं, पोस्टीरियर सैक्रो इलियक, यानी कि इलियम और सैक्रम के दरमियान, ये ऐसे में इसके लिगामेंट यहाँ तक ऊपर, इसके ऊपर से पास कर रहे होते हैं, इन्होंने इधर नहीं दिखाया, ठीक है। मैंने इसलिए ये डायग्राम दिखाया क्योंकि इधर सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट जो है बहुत अच्छा दिखाया। तो सैक्रोस्पाइनस, सैक्रम, जहाँ पर सैक्रम हम पर कोक्सियस बोन के साथ अटैचमेंट हो रही होती है ना, वहाँ से ये फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं, और स्पाइन प्रोसेस ऑफ द सैक्रम, इशियम जो बोन्स है, इशियम, ठीक है ना, वहाँ स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द इशियम जो होता है, यहाँ पर आकर अटैचमेंट दे रहे होते हैं ये फाइबर्स, ठीक है। ये हमारे पास साइक्रो स्पाइनस लिगामेंट और साइक्रो ट्यूबरस लिगामेंट हो गया। 3D में आपको ये देखें, 3D में अगर आपको दिखाऊं तो ये है हमारे पास, ये साइक्रो यहाँ से काटा हुआ है, यहाँ पर भी अटैचमेंट होते हैं, ठीक है ना, और ये साइक्रोस्पाइनस है और ये साइक्रोट्यूबरस लिगामेंट है, और ये एंटीरियरली देखें तो इस तरह है, हमें इस तरह नज़र आते हैं पोस्टीरियरली से, ठीक है, और पोस्टीरियर देखें तो इस तरह, ये देखें, ठीक हो गया, फिर ग्रेटर शार्टिक फोरामेन। ओके, थैंक यू।